गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन सीरीज में आज का टॉपिक है उत्तरोत्तर अवकलन या उच्च कोटि के अवकलन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। आप यदि इसका अवकलन करो तो dy अपन कितना लिखा जाएगा, देखिए dx इक्वल टू एफ डैश ऑफ x। इसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए तो इसका लिखने का तरीका होगा स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स dy अपॉन डी एक्स। इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ x। अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन किया जाए तो बनेगा डी बाई डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसे स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू एफ डैश ऑफ थ्री, यानी कि एफ थ्री डैश ऑफ एक्स। इसे स्टूडेंट्स हम लोग जनरली डी वाई से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग डी स्क्वायर वाई से लिखेंगे, इसे हम लोग डी थ्री डी क्यूब वाई से लिखेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला डी वाई, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं प्रथम डिफरेंशिएशन यानी प्रथम अवकलन यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड होता है स्टूडेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी द्वितीय कोटि के अवकलन। देखिए क्या लिखा, द्वितीय कोटि के अवकलन। ये जो हो गया स्टूडेंट्स इसे कहते हैं हम लोग तृतीय कोटि के अवकलन। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग nth ऑर्डर के भी डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, जैसे d के पावर n इंटू एक्स वाई इक्वल टू लिखा जा सकता है डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर n। इसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन यानी n कोटि के अवकलन। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखे ये हमारा फंक्शन है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन। इसका जो डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है देखिए कैसे लिखा, चाहो तो वाई वन इस तरह से लिख देना जैसे कि y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो dy वाई अपॉन डी एक्स लिखो। इसी को लिखने का तरीका स्टूडेंट्स वाई वन, एक अलग तरीका ये भी होता है, यानी कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है, एक बार यानी प्रथम कोटि के डिफरेंशिएशन हो गया। d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसको स्टूडेंट्स लिखा जाएगा y2, ये द्वितीय कोटि के क्या हो गया, अवकलन हो गया। या तो आप इस तरीका का यूज़ कर लो, या तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हो जहाँ पर डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। या तो आप इस तरीके का यूज कर लो या इधर आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखने के। दिस इज द वे टू राइट दिस आर वेज टू राइट हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स चैप्टर्स के न्यूमेरिकल को करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, जैसे द्वितीय कोटि के अवकलन कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा स्टूडेंट्स, टू टाइम्स, यानी कि डी टू वाई करना होगा, या स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है वाई टू निकालना हो या वाई डबल डैश निकालना है। ओके, यदि वाई इक्वल टू दिया हो एक्स टू द पावर थ्री प्लस टेन ऑफ एक्स, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और टेन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, सेक स्क्वायर एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस टू टाइम्स सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसको आप लिखेंगे सही से तो ये बन जाएगा सिक्स एक्स प्लस का टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स। आप चाहो तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया हो, हमें प्रूफ करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, जीरो। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड डिफ्रेंशिएशन है। तो सबसे पहले इसका हम लोग सेकेंड डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा माइनस का ए साइन एक्स प्लस या माइनस बी कॉस एक्स। हम लोग अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बनेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इस वैल्यू का स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है वाई। और इधर का कितना स्टूडेंट देखे डी टू वाई अपॉन डी एक्स। इस इधर अगर माइनस की तरफ है तो इक्वल के इस तरफ लगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो डी टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इक्वल टू कितना जीरो। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या हो गया प्रूफ हो गया प्रूफ्ड। ओके नेक्स्ट एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखे y इक्वल टू यदि 3 e टू द पावर 2x प्लस 2 e टू द पावर 3x हो तो सिद्ध कीजिए कि डबल डिफरेंशिएशन माइनस 5 इंटू फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन प्लस का 6y इक्वल टू कितना हो जीरो। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 6e के पावर 2x प्लस 6e के पावर 3x। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 12e के पावर 2x प्लस 18 e के पावर 3x। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन नंबर थ्री। अब यदि इस समीकरण को देखा जाए तो कैसे लिखा हुआ देखिए, एलएचएस लेते हैं, लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 6y। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं तो 12e के पावर 2x प्लस 18e के पावर 3x माइनस 5 टाइम्स और डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से तो 6e के पावर 2x प्लस 6e के पावर 3x और प्लस 6 इंटू वाई का वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए कितना 3e के पावर 2x प्लस 2e के पावर 3x। अगर इसका एक्सटेंशन हम लोग अल्जेब्रिक एडिशन करते हैं तो देखिए ये रहा 12, ये रहा 30, तो माइनस 18 और 36 18, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा स्टूडेंट्स जीरो। तो आप देख सकते हैं एलएचएस किसके बराबर आ गया आरएचएस के। ऐसा करने से ये क्या हो गया स्टूडेंट देखिए प्रूफ हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स दिया जाए, y इक्वल टू कितना दिया जाए साइन इनवर्स ऑफ x, तब हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना है जीरो। तो इस साइन को इधर उछाल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा देखिए साइन y, साइन y इक्वल टू क्या बन जाएगा x। या यू करते हैं कि इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं देखिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी रूट का स्क्वायर, यानी सिंपल ये। इसको यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको लिखा जाएगा सिंपल x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए वन अपॉन रूट अंडर एक्स, रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या कह सकते हैं, डीवाई अपॉन डीएक्स। तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स इंटू डीवाई अपॉन डीएक्स। तो फाइनली स्टूडेंट्स इसे लिखा जा सकता है, देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.7, एनसीईआरटी प्रश्नावली कितना है 5.7। एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.7 में टोटल क्वेश्चन है 17। हम लोग इसके एक एक करके क्या करते हैं, सॉल्यूशंस को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है हमको, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 3x प्लस का 2 दिया हुआ है। इसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, y। डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, इसका तो जीरो हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, सिंपल 2। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द पावर 20। फर्स्ट टाइम यदि डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो ये बनेगा कितना, 20x के पावर 19। अगेन डिफ्रेंशिएशन किया जाए तो यह बन जाएगा 20 इंटू 19 इंटू एक्स के पावर 18, 380x के पावर 18 इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए y इक्वल टू लिखा हुआ है x इंटू में cos x। यदि हम लोग फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो यह बनेगा x का 1 cos x को एज इट इज छोड़ते हैं प्लस x लिखेंगे एंड माइनस का sin x। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे इसका, ये माइनस को बाहर कर लीजिए तो ये क्या बनेगा, देखिए कॉस एक्स माइनस का एक्स इंटू साइन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन कीजिए वाई डैश तो क्या बन जाएगा, वाई डबल डैश यानी वाई टू बनेगा माइनस का साइन एक्स, माइनस को बाहर करते हैं, एक्स का वन साइन एक्स को एज इट इज छोड़ लेते हैं आप, प्लस एक्स को छोड़िए और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन साइन जुड़ जाएगा तो हमारा वाई टू जो नजर आएगा वो आ जाएगा टू माइनस का साथ, तो टू साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स। ओके, ये रहा हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, वाई को लिखा हुआ है लॉग एक्स। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स एंड सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, देखिए वाई को जो लिखा हुआ है एक्स के पावर 3 इंटू में लॉग एक्स। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस
एक्स क्यूब इंटू वन अपॉन एक्स, एक एक्स एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बनेगा देखिए कितना, थ्री एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर। वाई टू जो होगा इसका स्टूडेंट्स वो बनेगा सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स प्लस का टू एक्स। जो फाइनल आंसर होगा इसमें देखिए कितना, सिक्स एक्स लॉग एक्स प्लस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स, तो दोनों जुड़ जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, सिक्स एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस का फाइव एक्स। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स। यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे फर्स्ट टाइम तो वाई डैश इक्वल टू बनेगा ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। यदि हम लोग ई के पावर एक्स को कॉमन ले ले तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बनेगा ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अब ई के पावर एक्स को एज इट इज छोड़ते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो ये बनेगा कॉस एक्स और ये बनेगा माइनस का कितना साइन एक्स। ओके चाहे तो हम लोग इसमें से कुछ हिस्सा को कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि इसके पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आप चाहो तो साइन एक्स को कैंसिल कर सकते हो तो फाइनली रिजल्ट जो आएगा वो आ जाएगा टू ई के पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स। ओके तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है वाई इक्वल टू ई के पावर सिक्स एक्स इंटू में कॉस थ्री एक्स। आप यदि इसका स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन करो तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होगा वाई डैश इक्वल टू सिक्स ई के पावर सिक्स एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री ई के पावर सिक्स एक्स इंटू साइन थ्री एक्स। हम लोग चाहे तो ई के पावर सिक्स एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं तो आप ई के पावर सिक्स एक्स को आप कॉमन निकालिए तो फाइनली जो बचता है वो बचता है सिक्स कॉस एक्स माइनस का थ्री साइन थ्री एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन करो वाई डैश तो ये बनेगा सिक्स ई के पावर सिक्स एक्स, इसको एज इट इज छोड़ते हैं साइन थ्री एक्स प्लस के साथ ई के पावर सिक्स एक्स इंटू माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस नाइन कॉस थ्री एक्स। आप चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे ई के पावर एक्स को आप कॉमन निकाल लीजिए ई के पावर सिक्स एक्स को तो ये बचता है अट्ठारह थर्टी सिक्स कॉस एक्स माइनस एटीन साइन थ्री एक्स माइनस सिक्स साइन एक्स माइनस नाइन कॉस थ्री एक्स। तो फाइनल आंसर जो आएगा स्टूडेंट्स ई के पावर सिक्स एक्स इंटू में छत्तीस माइनस नौ यानी ट्वेंटी सेवन कॉस यहाँ पे थ्री होना चाहिए था, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे भी आएगा थ्री, यहाँ पे भी है थ्री, यहाँ पे हो जाएगा
थ्री, यहाँ पे था थ्री तो हो जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन थ्री, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा 18। अब आप देखिए कितना हो रहा है, 27 कॉस 3x माइनस का 36 साइन 3x। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले सकते हो और ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए y इक्वल टू log ऑफ log x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन x मीन्स 1 अपॉन x इंटू log x, और यदि सेकेंड डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा माइनस 1 इंटू log x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर या log x इंटू x का क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स रहा हमारा सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए y इक्वल टू साइन ऑफ log x, y डैश जब निकाला जाएगा तो साइन x का हो जाएगा cos ऑफ log x एंड log x का होगा 1 अपॉन x। अब यदि y डैश निकालते तो कितना होगा, देखिए x cos का हो जाएगा माइनस का साइन log x इंटू 1 अपॉन x माइनस के साथ cos ऑफ log x इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये x से x आपका कैंसिल हो गया तो y टू है ये, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारा निकल के आ रहा है माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x हो तो प्रूफ कीजिए कि d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई को कितना 0। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा हमारा माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x। एक बार और अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यह बन जाएगा माइनस का 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। यदि हम लोग माइनस का कॉमन निकाल लें ये बनेगा 5 cos x माइनस 3 sin x। आप इस वैल्यू को क्लियरली देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है y, इधर है कितना सेकेंड डिफरेंशिएशन, इस माइनस साइन को इधर लागत तो हो जाएगा प्लस, तो d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इक्वल टू कितना है 0। इस तरह से ये क्या हो गया सुन, देखिए प्रूव्ड हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए
यदि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो तो प्रूफ कीजिए कि d2y टू वाई अपॉन तो d2y टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पद में ज्ञात कीजिए, तो इतना हो तो d2 टू अपॉन डी वाई को केवल y के पदों में लिखे, y के पदों में ज्ञात करें। देखिए कैसे किया जाता सॉल्यूशन, y डैश हो जाएगा इसका स्टूडेंट्स, यानी y यानी dy वाई अपॉन डी एक्स, ये कहलाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करो तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का टू एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 स्टूडेंट्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे लिखा जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस वैल्यू को यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनेगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3/2। अगर यहां से स्टूडेंट्स हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो बन जाएगा कितना कॉस वाई, तो यह बनेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह पुट कर लेते हैं कॉस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस स्क्वायर वाई के पावर 3/2। इसे लिखा जाएगा स्टूडेंट्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा साइन स्क्वायर वाई का पावर कितना है देखिए 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो साइन के पावर कितना हो जाएगा देखिए 3, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट वाई। ओके स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फाइनल आंसर, तो हमने डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर को सिर्फ और सिर्फ किसके रूप में लिखा, वाई के रूप में लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है कि यदि y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस का 4 sin ऑफ log x है तो प्रूफ कीजिए कि x स्क्वायर y2 प्लस का xy1 प्लस का y इक्वल टू कितना है 0। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, तो डिवाइड अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस का 3 साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस का 4 कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये बनेगा माइनस 3 एक्स
कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू थ्री माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो थ्री साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा फोर इंटू एक्स इंटू कॉस कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस के साथ इंटू वन अपॉन एक्स माइनस फोर कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स एलएचएस लिया जाए एलएचएस तो ये क्या हो जाएगा देखिए वाई एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स इंटू वाई वन प्लस का वाई इक्वल टू जीरो पुट वाई टू एंड वाई वन हेयर एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट सॉल्यूशन कितना जीरो विच इज इक्वल टू क्या है देखे आर एच एस। ऐसा करने से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यदि y इक्वल्स टू ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर एन एक्स तो दर्शाइए यानी प्रूव दैट कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम एन वाई इक्वल टू कितना है जीरो। सॉल्यूशन करते देखिए सबसे पहले पहला डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो कितना हो जाए देखिए ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस का बी एन ई के पावर एन एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बन जाएगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब यदि स्टूडेंट्स हम लोग एल एच एस लिया जाए तो एल एच एस के अकॉर्डिंग क्या लिखा है देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस है माइनस का एम प्लस एन इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एम वाई एम इंटू एन इंटू वाई। अगर सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते तो देखिए क्या बनेगा ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स माइनस। अब देखिए पहले एम की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस एम एन की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स। यदि आप इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करो तो हमारा फाइनल जो आंसर नजर आएगा वो कितना नजर आएगा जीरो। सो स्टूडेंट्स ये किसके बराबर है आरएचएस के और ऐसा ही करते ही क्या हो गया स्टूडेंट्स प्रूव्ड हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वाई इक्वल टू यदि
500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। तो प्रूफ कीजिए कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये जगह 3500 e के पावर 7x माइनस 4200 e के पावर माइनस का 7x। अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 7×5 35 के 5 हाथ में 3 और 21 3 24 00 e के पावर 7x माइनस प्लस 7×14 7×28 29 00 e के पावर माइनस 7x। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से कुछ वैल्यूज को अगर हम लोग कॉमन निकालें से कितना वैल्यूज कॉमन निकाला जा सकता है, देखिए 49 जब आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, y बोलेंगे, तो ये मारा गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। कैसा हो गया, प्रूफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जैसा कि लिखा हुआ e के पावर y इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो हमको प्रूफ करना है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या है इसमें देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका स्टूडेंट्स डी वाई अपॉन डी एक्स यह अस्पष्ट फलन है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स होगा e के पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 प्लस के साथ e के पावर वाई इसका हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब इसे स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग ये अप्रोच ना लेकर के इसका एक साधारण अप्रोच हम लोग क्या लेते हैं कि सबसे पहले यहां से स्टूडेंट्स हम लोग e के पावर y को जब अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस कितना 1। अब इसका स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा e के पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगेन स्टूडेंट्स यहां से अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसको तो देखिए क्या बन जाएगा, सेकेंड डिफ्रेंशिएशन चाहिए था हमको। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन जब इसका हम लोग करेंगे तो ये बन जाएगा e के पावर y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस e के पावर y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 1 अपॉन x प्लस 1 का पावर कितना 4। अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स यहां से कि e के पावर y को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं और कॉमन निकालने के बाद डिवाइड में भेजा जा सकता है। तो देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो e के पावर y अगर आप कॉमन लोगे तो देखिए क्या बनेगा, डीवाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन e के पावर y इंटू में x प्लस 1 टू द पावर कितना 4। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहां से क्या करते हैं e के पावर y का वैल्यू निकालते हैं। यहां से देखें e के पावर y का, तो e के पावर y का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन
वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर के स्टूडेंट्स, यदि हम लोग वैल्यू निकाले यहाँ से, देखिए कितना आ जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन टू द पावर फोर, तो आंसर आ जाएगा ई के पावर फोर वाई। तो यहां पे हो जाएगा ई के पावर फोर वाई अपॉन वाई। इसका जो स्टूडेंट्स सेकेंड डिफ्रेंशिएशन होगा, इस y की वैल्यू को यदि हम लोग इधर भेज देते हैं, तो या e के पावर y के जगह पे अगर हम लोग वैल्यू को पुट कर लें, तो 1 अपॉन x प्लस कितना होगा, 1 इंटू डी वाई अपॉन कितना देखे डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक y से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन। यदि स्टूडेंट्स इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम लोग एक बार और, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा कितना देखे माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को वन अपॉन एक्स प्लस वन के होल स्क्वायर को यहां से अगर निकाला जाए वन अपॉन यहां से देखे, यहां से अगर हम लोग वन अपॉन एक्स प्लस वन निकाल के उसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो ये बन जाएगा डी टू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या चीज होल स्क्वायर। इस वैल्यू को यहां से उठाते हैं, इसकी वैल्यू को यहां पुट करते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसा करते ही स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वाई इक्वल टू यदि टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर हो तो प्रूफ कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू प्लस टू टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई वन इक्वल टू टू। सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग वाई वन निकालते हैं, तो हो जाएगा कितना देखे, ये हो जाएगा टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग वन प्लस एक्स स्क्वायर को एक तरफ, इसको वाई वन इक्वल टू टू टेन इनवर्स ऑफ क्या लिखते हैं एक्स लिखते हैं। यदि स्टूडेंट्स एक बार और डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो इसे लिखा जाएगा टू एक्स वाई वन प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर y2 इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है स्क्वायर है, यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू टू। ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 को प्रश्नावली 5.7 प्रश्नावली 5.7 हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। ओके, आप सब इसके प्रॉपर नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद इसके एक एक सॉल्यूशन को बार बार दोहराएं, तभी जाकर आप इसके
सारे कॉन्सेप्ट को, सारे सॉल्यूशन को अच्छे से सीख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी वीडियोस अपलोड किया जाए वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।